आज मैं एक नए बाथरूम में आया हूँ। यहाँ पे स्टील का शावर लगा हुआ है और ये शावर खराब से पानी इसमें टपक रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से पानी लीकेज है और उसको रिपेयर करूँगा मैं। नया शावर लगाऊँगा पीवीसी पर्ल कंपनी का। यहाँ से पाइप फट गया है, यहाँ से पानी निकल रहा है, आप देख सकते हो। अब इसमें नया शावर लगाऊंगा मैं। अब इस शावर को मैं खोलना स्टार्ट करता हूँ। कर चलूँ, आप देख सकते हो मैं ये शावर खोल लिया हूँ और इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और इसका। आप देख सकते हो यहाँ से ये पाइप फट गया है, पूरा सड़ गया है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल 4 साल चलता है, इससे ज़्यादा चलता नहीं है क्योंकि इसमें जंग आ जाता है, जंग के वजह से पाइप सड़ जाता है। अब इसमें नया शावर हम लगाएंगे पीवीसी का पर्ल कंपनी का। अब आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो ये पर्ल कंपनी का शावर है, 6x6 का है, बहुत बेस्ट क्वालिटी है, काफ़ी टाइम तक सर्विस देता है, अच्छा है, इसमें जंग वंग नहीं लगता है। अगर कोई दिक्कत आए, जाली चौकअप हो जाए तो इसके अंदर से साफ कर सकते हैं सुई डाल के, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। अभी स्टार्ट करें ना, ढूंढ ले जब तक दान खाएंगे। उस शावर का डंडा है, ये भी पर्ल कंपनी का है, बेस्ट क्वालिटी है, काफ़ी मजबूत है ये और इसमें सड़ने वड़ने का दिक्कत नहीं रहता है, इसमें जंग वंग नहीं लगता है, बराबर पानी आएगा। कभी ये चौकअप हो जाए तो इसे खोल के आप साफ कर सकते हैं। अब हम इस शावर को इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों टेपलन टेप लगाना ना भूलें क्योंकि लीकेज आ सकता है, इसलिए टेपलन टेप बराबर लगाइए इसमें। और टेपलन टेप लगाने के बाद फिर इसको लगाइए। आप देख सकते हैं टेपलन टेप मैंने लगा दिया है और पीछे का इसका ढक्कन है, इसको भी ऐसे करके इसमें पीछे का प्लेट भी लग गया है। अब इसको हम लगा रहे हैं। ये रबड़ वाइसर है, हर हमेशा इसको आप लगा लें नहीं तो लीकेज आएगा। पूरा शावर लग चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब पानी चालू करके मैं दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा सर्विस है इसका पीवीसी का, 3 साल की वारंटी है, पर्ल कंपनी का है। अब इसको चालू करते हैं हम। आप देख सकते हो पानी का फ्लो बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है।